हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? जैसे भी हो नीचे कमेंट बताते ना। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2022 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड मिट्योर 350 का स्टेलर प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि मिट्योर 350 के स्टेलर प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ इसके मीटर कंसोल में मिट्योर 350 में रॉयल इनफील्ड की तरफ से कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके लेटेस्ट मॉडल में। तो हम आपको वो चेंजेस भी बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको के प्राइस की बात करेंगे। तो दोस्तों, गौर करिएगा, हम आपको इसके एक्सोल प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग 2022 में मिट्योर 350 के किसी भी मॉडल को लेने जाते हैं तो उसकी जो बाइक है ना, ये आप लोगों को कंप्लीट कितने में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी मिट्योर 350 के स्टेलर प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन को लेने वाले या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर कोई वीडियो चलेगा हमारी मेहनत चलेगा तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नई वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में, इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि लुक्स वाइज ये जो बाइक है ना, स्टेलर की जितनी बाइक आती है ना, वही सेम आपको मिट्योर 350 का स्टेलर मॉडल वाला लुक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो ये अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं, ये इसका प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन है, जिसमें आपको पूरी बाइक आपको देखने को मिलेगी ब्लैक कलर में, जो कि आपको शाइनिंग ब्लैक मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती देखने में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ब्लैक कलर की बाइक पसंद है, आप लोगों को थोड़ा सा कस्टमाइज लुक चाहिए, तो आप लोग इस बाइक को ले सकते हैं, इस कलर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि ये जो प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन है ना, ये आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो गौर करिएगा, इसमें आपको मिट्योर 350 में आपको रॉयल एनफील्ड की तरफ से तीन मॉडल मिलते हैं, जिसमें से पहला है इसका स्टेलर मॉडल, जिसकी एक्सोल प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2,07,333 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है, वो आता है इसका फायरबॉल एडिशन, जिसकी एक्सोल प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2,01,253 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो सबसे टॉप मॉडल आता है, जो की इसका है सुपर नोवा एडिशन, जिसकी एक्सोल प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2,17,470 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, ये तो इसके तीनों मॉडल के एक्सोल प्राइस की बात। अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये जो तीनों बाइक है ना, ये लगभग आपको पड़ेंगे 2,37,000 से 2,55,000 के बीच में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के प्राइस की बात, इसके ऑन रोड प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है, जिसमें आपको 41mm का फॉर्क मिलता है, 130mm की ट्रेवल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, जो सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है ना, वो पहले वाली देखने मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में, फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, ट्विंग पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलती है, जिसकी साइज है 300mm का डिस्प्ले के बीच में, देखिए ईबीएस का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, गौर करिए, इसमें आपको डुअल चैनल ईबीएस का सपोर्ट मिलता है, तो इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलती है ना, वो काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। इसमें आपको बाइबर का डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि काफी बेहतरीन माना जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 100/90 का, 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलॉय के साथ। तो दोस्तों, इसका जो टायर साइज, इसका जो ब्रेक साइज है ना, वही आपको पहले वाली देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट से लुक के बारे में, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आ रहा है ना, काफी प्यारा लगता है देखने में। इसके लुक में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी फ्रंट में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा, वो आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है, लेकिन इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने मिल जाती है, जिसकी वजह से आप लोग जो चारों इंडिकेटर है ना, साथ में ब्लिंक कर सकते हैं, जो कि आपको फॉगी कंडीशन में राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलेगा, वही सेम आपको 60/55W का H4 हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, हेडलैम्प के चारों तरफ आप देख सकते हैं क्रोम की प्लेटिंग मिलती है, LED DRL मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों, इसका जो हेडलैम्प है ना, वही सेम आपको पहले वाली मिलेगी, जो कि आपको काफी अच्छी रोशनी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको LED हेडलैम्प अभी भी देखने को नहीं मिलती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके साइड से लुक के बारे में, साइड बॉडी के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन है, इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना, काफी प्यारा लगता है देखने में, जो कि ग्लॉस ब्लैक कलर है। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि इसका जो साइड से लुक है ना, ये आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हैंडल बार के दोनों साइड में देखेंगे तो क्रोम की प्लेटिंग मिल जाती है, इसकी जो ग्रिपिंग मिलेगी काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड लो एंड सिस्टम मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाता है, नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने मिल जाती है, स्विचेस क्वालिटी जो मिलती है वो काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड मिरर मिलेगा, वही सेम आपको क्रोम डिजाइन में आपको काफी अच्छे डिजाइन में मिलती है। और यहाँ पे देखिए, राइट हैंडल बार पे देख सकते हैं इंजन ऑन ऑफ स्विच जो मिलता है,
आपको इंटीग्रेटर देखने मिल जाती है। उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो उसके नीचे आप देखते हैं प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग चार इंडिकेटर को साथ में जला सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्विचेस क्वालिटी मिलती है, इसका जो साइड मिरर मिलेगा ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो आपको बता दें कि अब इसके मीटर कंसोल में आपको नेविगेशन सिस्टम वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको पहले देखने को मिल जाती थी। क्योंकि पहले आपको इसमें डबल आपको मीटर कंसोल मिलता था, जिसमें आपको साइड में आपको छोटा सा मीटर कंसोल मिलता था, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाती थी। लेकिन अब इसमें से वो नेविगेशन सिस्टम वाला जो मीटर कंसोल है ना, वो हटा दिया गया है, जिसे आप लोग चाहेंगे तो एसेसरीज के थ्रू लगवा सकते हैं। और इसका जो बाकी जो मीटर कंसोल मिलेगा, वही सेम आपको पहले वाली देखने मिलती है, जो कि आपको सेमी डिस्टेमीटर कंसोल मिल जाती है, जिसमें आपको मिल जाता है ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाती है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, और साथ ही साथ मोबाइल फोन कनेक्शन सिस्टम मिल जाता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने मिलती है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने चाहिए वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। लेकिन आपको इसमें से टर्न बाय टर्न नेविगेशन हटा दिया गया है मीटर कंसोल में से। तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना, वही आपको पहले वाली देखने मिलती है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती। और अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड बार के नीचे साइड में, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें आप देखते हैं प्री इंस्टॉल यूएसबी पोर्ट चार्जर देखने मिल जाती है, जो कि 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के मीटर कंसोल की बात, इसके हैंडल बार की बात। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ भी देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने मिलेगा ना, काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने मिलता है, जो कि आपको ग्लॉस ब्लैक कलर मिलती है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देखते हैं क्रोम के फिनिश के साथ, यहाँ पे आप देखते हैं रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने मिल जाती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो दोस्तों आप लोग बताना कि इसका जो साइड बॉडी मिलती है ना, आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वॉक मिलती है 15 लीटर की। तो दोस्तों इसके साइड से लुक में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में, तो इसका जो इंजन मिलेगा, वॉक मिलता है 349 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक एयर ऑयल कूल BS6 इंजन देखने को मिल जाती है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा, वॉक मिलता है 20.2 bhp का 6100 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा, वॉक मिलता है 27 Nm का 4000 rpm पे। इसमें आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा, वॉक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, यानी कि EFI सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 72 mm का बोर देखने को मिल जाती है, 85.8 mm का स्टॉक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो इंजन है ना, वही सेम देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके इंजन वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए साइड बॉडी पे आप देख सकते हैं मिट्योर 350 लिखा मिल जाता है व्हाइट और रेड कलर में, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो दोस्तों ये इसका कस्टम एडिशन है, तो इसमें आपको जो सीट मिलेगा ना, आपको थोड़ा सा कस्टमाइज सीट देखने को मिलती है, जो कि इसकी जो कुशनिंग मिलती है इसके नॉर्मल मॉडल से आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो राइडिंग पोर्शन मिलेगा ना राइडर सीट का, वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। इसकी जो कुशनिंग है ना, काफी सॉफ्ट देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ इसका जो पिलियन राइडर का सीट है ना, वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा, काफी चौड़ी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पिलियन के लिए आपको ब्रैकेट्स मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे से सपोर्ट लगाया गया पिलियन को राइडिंग के टाइम पे, तो पिलियन राइडर जो है ना कंफर्टेबली राइड कर सकता है इस बाइक पे। और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में देखते हैं पिलियन गेट भी मिल जाती है, जो कि स्पोर्टी डिजाइन मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके पिलियन से, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको लेडी फुटेज भी मिल जाता है, सारी गार्ड भी देखने मिल जाती है। तो दोस्तों आपकी जो घर की लेडीज है ना, वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों इसके साइड में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, इसका जो सीट कंफर्ट है ना, वही आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, इसके रियर सेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए बैकरेस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और इसका जो टेल लैंप मिलेगा, वॉक मिलती है, LED टेल लाइट देखने मिल जाती है, बाकी सब कुछ आपको बल्ब भी लेगा, इसमें आपको LED टेल लाइट ही सिर्फ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसके रियर सेक्शन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से, इसके दूसरे साइड से, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, आपको मिल जाता है ट्विन ट्यूब एमुलेशन शॉक एब्जॉर्ब विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 6-स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो रियर टायर मिलेगा, वो आपको मिल जाता है 140/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने मिलती है, जिसकी साइज 270 mm का डिस्प्ले के बीच आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों गौर करिएगा, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है, आपको क्रोम फिनिश में मिलती है। इसकी एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना, वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में सुना दिया है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग को इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो लेंथ मिलेगा, वॉक मिलता है 2140 mm का। इसका जो हाइट मिलेगी, वॉक मिलती है 1140 mm का। इसका जो व्हील बेस मिलेगा, वॉक मिलता है
सकता है 1400 mAh का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, वॉक मिलती है 170 mAh का जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है, 765 mAh का जो कार्बन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 191 kg की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है जो की है 15 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो ये जो बाइक है ना लगभग आपको मान के चले 35 से 38 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये थी इस बाइक के माइलेज, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है ना वही चेंज देखने को मिलता है, ये जो नया कलर मिलता है स्टेलर प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों आप लोग बताना कि ये जो कलर है ना आप लोगों को कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फीचर्स इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, केवल इसके मीटर कंसोल से टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम हटा दिया गया है, जिसे आप लोगों को लगवाना होगा तो आप लोग एसेसरीज के थ्रू लगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, ये बाइक अच्छी लगे तो प्लीज अपने एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करने का। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, केवल इसके मीटर कंसोल में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, बाकी सब कुछ आपको सेम देखने को मिलती है। प्राइस जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रही है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये स्टेलर प्योर ब्लैक कस्टम एडिशन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये कलर अच्छा लगा ये बाइक अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट कर रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारे इंस्टाग्राम आईडी शो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ देने के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।